हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और आज फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा डिप स्ट्रिप द्वारा यूरिन प्रोटीन और यूरिन ग्लूकोज टेस्ट कैसे करते हैं और पीएच पेपर द्वारा यूरिन का पीएच कैसे चेक करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है हमारे पास यूरिन सैंपल है और ये है हमारे पास यूरिन डिप स्ट्रिप। इसमें यूरिन डिप स्ट्रिप हैं, इसमें दो पैरामीटर हैं, ऊपर है प्रोटीन का और नीचे है ग्लूकोज का। इसमें हमें कलर मैच करना होता है, डिप करके यूरिन में स्ट्रिप को और कलर मैच करते हैं। और ये है हमारे पास पीएच पेपर, इसे पीएच में मेजर करते हैं, इसको भी हम यूरिन में डिप करते हैं। तो अब शुरू करते हैं, इसमें से हम डिप स्ट्रिप निकालते हैं। डिप स्ट्रिप को निकाल के हम और यूरिन कंटेनर का ढक्कन भी खोल देंगे और उसके बाद डिप स्ट्रिप निकाल के हम यूरिन में डिप करेंगे। डिप करने के बाद ही इसका कलर चेंज होने लग जाएगा। अगर प्रोटीन ज़्यादा होगा तो प्रोटीन का कलर चेंज होगा और स्ट्रिप में, और ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज का भी कलर चेंज होगा स्ट्रिप में। ये हमने डिप स्ट्रिप को निकाल लिया है बाहर और इसको डिप करके यूरिन में कलर मैच करेंगे। पहले हम एक बार आपको जो मैच करेंगे वहाँ कलर, वहाँ से एक बार दिखा देते हैं। जो फर्स्ट वाली जो कलर हैं उनसे मैच हो रहा है अभी नॉर्मल। उसके बाद यूरिन में डिप करेंगे। डिप करने के बाद ये 30 सेकंड के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि पूरी तरह से कलर मैच हो जाए। ये हमने डिप कर लिया यूरिन में और इसको हम छोड़ देंगे 30 सेकंड के लिए, कम से कम इसको वेट करेंगे। और उसके बाद हम इसका कलर मैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो डिपस्टिक के बॉक्स पे जो सबसे पहली लाइन है वो नॉर्मल डिपस्टिक वाला कलर है। स्ट्रिप को हम जैसे ही यूरिन में डिप करते हैं और वो कलर चेंज होने लग जाता है। जैसे अगर प्रोटीन अगर हाई होगा तो प्रोटीन का कलर हाई होता चला जाएगा, और जैसे ट्रैक फिर 1+ या 2+ या 3+, ऐसे ही ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज हाई होगा तो ग्लूकोज का ट्रैक फिर 1+ या 2+ या 3+ या 4+, जैसे ही जितना डार्क होता जाएगा उसी के हिसाब से रिजल्ट देंगे, जैसे 1+ या 2+ या 3+ 4+। तो अब मैच करते हैं स्ट्रिप को। ये प्रोटीन वाला है जो 1+ से मैच हो रहा है, 1+ से मैच हो रहा है, तो इसका रिजल्ट हम देंगे यूरिन प्रोटीन 1+। ट्रैक से नहीं मिल रहा और जो नॉर्मल है उससे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का बिल्कुल सेम है कलर, बिल्कुल भी किसी से ट्रैक से या 1+ से या 2+ से नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम डिप स्ट्रिप से यूरिन प्रोटीन और यूरिन ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है ग्लूकोज वाला, और प्रोटीन वाला 1+ से मिल रहा है। तो इस तरह से हम यूरिन प्रोटीन और ग्लूकोज का टेस्ट डिप स्ट्रिप द्वारा करते हैं। अब बात करते हैं पीएच पेपर से पीएच कैसे मेजर करते हैं यूरिन का। तो ये हमारे पास पीएच पेपर है, इसमें से हम एक पीएच पेपर निकालेंगे और इसमें 1, 3, 5, 6, 7, उसके बाद इधर से पीछे है 8, 9, 10, 12 और 14। इसमें से अब एक पीएच पेपर हम निकालते हैं। ये हमने पीएच पेपर निकाल के इसको फिर हम यूरिन में डिप करेंगे। यूरिन में डिप करने के बाद ये हमने पीएच पेपर निकाल लिया है, इसको डिप करेंगे यूरिन में, उसके तरह ही डिप स्ट्रिप की तरह ही डिप करेंगे यूरिन में। ये देखिए हमने यूरिन में डिप कर दिया है। डिप करने के बाद इसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज होने के बाद हम इसको इसके जो पैरामीटर हैं 1, 3 और 4, 6, 7 इसको फिर मैच करेंगे। तो जो भी कलर मैच हो जाएगा उसके हिसाब से हम यूरिन का पीएच मेंशन कर देंगे रिपोर्ट में। ये तो ये देखिए कलर मैच करते हैं, ये 3 से नहीं हो रहा और 5 से थोड़ा हल्का हो रहा है और 6 से भी फिर बाद में नहीं हो रहा है। तो 5 से नहीं हो रहा और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में है, तो इसका पीएच होगा 5.5, 5.5 इसका पीएच होगा। देखिए 5 से हल्का सा मिल रहा है और 6 से भी नहीं मिल रहा है, तो बीच का होगा 5.5।
तो इसका पीएच 5.5 है। तो इस तरह से हम पीएच पेपर द्वारा पीएच मेजर करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पीएच पेपर द्वारा पीएच कैसे मेजर करते हैं यूरिन का, और डिप स्टेप द्वारा यूरिन का ग्लूकोज और प्रोटीन कैसे मेजर करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।